अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, जो लोग साधनाएं करते हैं, खासकर जो उग्र देवी देवताओं की साधनाएं करते हैं, तामसिक साधनाओं की बात नहीं हो रही है, सात्विक साधनाओं की बात हो रही है। तो जो उग्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, जैसे भैरव की पूजा करते हैं उनकी साधना करते हैं, या माँ काली की पूजा करते हैं उनकी साधना करते हैं, शनि देव की करते हैं, राहु देव, केतु देव, किसी ऐसे देवता जो उग्र स्वभाव के देवता होते हैं, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो ज़्यादातर ये पूजाएँ शाम को होती हैं। और इन पूजाओं के जो संकेत होते हैं बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये देवी देवता प्रसन्न भी जल्दी होते हैं अगर भावपूर्वक आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, चाहे आप सात्विक देवताओं की पूजा करिए, चाहे तामसिक देवताओं की पूजा करिए, तामसिक में देवता तो नहीं आते हैं, तामसिक में जैसे भूत प्रेत पिशाचनी और बहुत सारे जो इत्र योनि की शक्तियाँ होती हैं वो आती हैं, तो तामसिक पूजा के जो संकेत होते हैं उनके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो सात्विक पूजा होती है, चाहे आप सुबह करें या फिर शाम को करें, जो व्यक्ति सुबह जप करते हैं उनको भी स्वप्न के माध्यम से बहुत सारे संकेत मिलते रहते हैं, जो व्यक्ति शाम को पूजा या जप करते हैं उनको भी स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलते रहते हैं। लेकिन रात में ही शक्तियाँ ज़्यादातर संपर्क क्यों करते हैं, रात में ही आपको संकेत क्यों मिलते हैं, आपने बहुत बार फील भी किया होगा, बहुत सारे लोगों को नकारात्मक शक्तियाँ भी फील होती होंगी, उनके सपने आते होंगे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको सकारात्मक शक्तियों के सपने आते होंगे, सकारात्मक शक्तियाँ फील भी होती होंगी। देखिए, रात में ज़्यादातर शक्तियाँ इसलिए भी आपसे संपर्क करती हैं क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है, और आपका अवचेतन मन ही वो एक ऐसा रास्ता होता है जिस रास्ते से आप दैवी शक्तियों को जान सकते हो, समझ सकते हो, आभास कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जब आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है, जब आपका चेतन मन सुस्त अवस्था में होता है, जब सो रहा होता है, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है। इसीलिए जब भी आप स्वप्न देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो आपको सब कुछ रियल आभास होता है, ऐसा लगता है कि ये आपके साथ में घटित हो रहा है, चाहे कुछ भी घटित हो रहा हो, अच्छा घटित हो रहा हो या फिर बुरा घटित हो रहा हो। रात में आपको देवी देवता की सवारी अपने ऊपर महसूस हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई देवी देवता आपके ऊपर आ गए हैं, आपको आपके ऊपर उनकी सवारी आ गई है, आप चिल्ला रहे हो या कुछ कह रहे हो या बताना चाह रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पितृ देवता भी रात में आपको स्वप्न के माध्यम से या सवारी के माध्यम से दर्शन दे सकते हैं, ऐसे देवता जो आपके घर का भला करते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ये भी आप रात में अनुभव कर सकते हैं। रात में आपको बहुत सारे ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं, जैसे आप मंत्र जप करना शुरू कर दें रात में ही, स्वप्न में सोते सोते कोई आपके मन में मंत्र चलना शुरू हो जाए, खासकर ऐसे देवी देवता का मंत्र जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, या फिर उनका कोई भजन आप स्वयं ही गुनगुनाना शुरू कर दें। कभी आपने इस बात को महसूस भी किया होगा, जो व्यक्ति पूजा से जुड़े हैं, जो व्यक्ति अपार श्रद्धा के साथ में पूजा करते हैं, जप करते हैं, कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मन से ही कोई ना कोई भजन मुंह से निकलता ही रहता है। नाम जप हो सकता है, कोई भजन हो सकता है, कोई जप हो सकता है, जैसे सुबह उठते ही अपने मन से निकलना शुरू हो जाए सीताराम 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 सीताराम, या फिर राम राम राम, कुछ भी आपके मन में चलना शुरू हो सकता है, या हो सकता है कोई भजन गाना शुरू कर दें, जैसे हमने शुरू में आपको बताया था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये चीज़ आपके अवचेतन मन से आती है, तभी आपको कई वीडियो में हमने बताया भी है कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आप
की अवचेतन अवस्था से चेतन अवस्था आ रही होती है। उस समय जैसे आप उठते हैं तो हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए, और उस समय जब भी हम उठें तो धरती माता के पैर छुएं और अपने हथेलियों को देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा भी बोलना चाहिए। तो ये संकेत था कि देवी शक्तियाँ रात में आपसे संपर्क करना शुरू कर देती हैं जब आप उनके जप करते हो, पूजा करते हो या अपार श्रद्धा के साथ में उनको नमन करते हो। और इस प्रकार से शक्तियों का आपके नींद के बाद में स्वप्न के माध्यम से आना या आपको आभास दिलाना या आपको इस तरह से कुछ महसूस होना कि कोई दैवी शक्ति आपके आसपास है, आपकी रक्षा कर रही है, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, आप आसमान में उड़ रहे हो, आप नदी पार कर रहे हो, अच्छे अच्छे स्वप्न अगर आपको निरंतर आते रहते, निरंतर ऐसा नहीं कभी कभी, निरंतर आते रहते हैं, एक दो दिन का गैप हो सकता है, कोई दैवी शक्ति निरंतर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती रहती है, कोई दैवी शक्ति निरंतर आपको स्वप्न में बचाती रहती है, किसी दैवी शक्ति का निरंतर आप स्वप्न में जप करते रहते हैं, तो इस प्रकार के स्वप्न का आना, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का खुल जाना, ये एक बड़े बड़े संकेत होते हैं कि कोई दैवी शक्ति आपसे जुड़ रही है या आपकी दैवी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। देखिए, सभी के अंदर देवी देवताओं का वास होता है, सभी के अंदर शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जैसे एक डेड मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल जब चार्ज नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं उससे, लेकिन एक बार उसमें चार्जिंग आ जाती है तो पूरी दुनिया आप उस मोबाइल में चला सकते हैं। उसी प्रकार से आपकी शक्तियाँ भी सुप्त अवस्था में होती हैं, लेकिन जब आप जप करते हैं, जब आप जप के मार्ग पर जाते हैं, जब आप अपना तपोबल बढ़ाते हैं, जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है, तब आपकी शक्तियाँ भी जागृत होना शुरू हो जाती हैं, और जब वो जागृत होती हैं तो उसका प्रभाव आपको दिखता ही दिखता है, क्योंकि वो साक्षात आपको दर्शन नहीं दे सकती हैं, साक्षात आपको संकेत नहीं दे पाती हैं, इसलिए वो स्वप्न का मार्ग चुनती हैं आपसे संपर्क करने के लिए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।